नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज तक पर। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं, आज दूसरा दिन है इस दौरे का, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समारोह में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें आपकी वहां, आपको हम वहां की दिखा रहे हैं। बेहद अहम प्रधानमंत्री का यह दौरा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर जो सामने आई वो ये कि कूटनीतिक रिश्तों को देखते हुए चीन को एक बड़ा झटका इस दौरे के बाद मिला है। हालांकि कयास यही लग रहे हैं कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का असर है जो दो देशों के बीच रिश्तों को इस मजबूती तक लेकर गए कि चीन पर नकेल कसने के वो काम आया। लेकिन इसी बीच तस्वीरें आपको हम अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समारोह से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरों की ये खासियत हमेशा रही है कि जिस देश भी वो जाते हैं वहाँ की सभ्यता को, वहाँ की संस्कृति को, चाहे वो धर्म से जुड़ा मामला हो या फिर वहाँ की परंपराओं से जुड़ा मामला हो, उस पर विशेष ध्यान वो देते हैं और उसके सहारे वो कूटनीति को साधते हैं। अब ऐसे में ये तस्वीरें बेहद दिलचस्प, बेहद खास। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। भव्य मंच वहां पर सजाया गया है, मंत्रोच्चार इस वक्त वहां होता हुआ, और ये जो तस्वीरें आप पदं समादियामि। कामेषु मिथ्याचारा वेरमणी सिक्खा। इस वक्त रोहिणी स्वामी हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर, और जानकारी रोहिणी से हम लेंगे। रोहिणी, बेहद खास तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समारोह में शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका एक ऐसा देश है जहां भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को, उनकी परंपराओं को बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है, और खास तौर पर प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर श्रीलंका गए हैं। ऐसे में कितनी कूटनीतिक सफलताएं और भारत को क्या क्या मिलने वाला है इस दौरे से? देखिए, ये बहुत ही अहम यात्रा है उनकी तरफ से, क्योंकि एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां पे प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ बाकी कंट्रीज के साथ मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, तो श्रीलंका में आप जिस तरह से देख रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसलिए जा रहे हैं ताकि शांति का जो मैसेज है वो लेके जा सकते हैं। अहम बात ये भी है, अगर आप देखें तो एक तरफ जब उनकी जो दौरा शुरू होने वाला था उससे पहले तीन जो मछुआरे हैं, जो भारत के मछुआरे हैं जो श्रीलंका में पकड़े गए थे, उनको भी छोड़ा गया ताकि एक तरीके से शांति का जो संदेश है वो भेज सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि उनके वहां पे पहुंचने के बाद सीनियर ऑफिशियल्स के साथ उनकी बातचीत होगी, श्रीलंका के प्रधानमंत्री से भी उनकी बातचीत होगी। कैंडी में जिस तरह से हमने देखा है कि वो पूजा, जो बहुत ही बड़ा वहाँ पे बौद्ध का जो मंदिर है वहाँ पे भी पूजा में शरीक हुए थे। तो अहम बात ये भी है कि एक तरीके से उन श्रीलंका की जो नाते हैं चाइना के साथ, चीन के साथ, उनको भी नजर रखते हुए वो बातचीत करेंगे, क्योंकि एक अगर आप देखें तो बॉर्डर फ्री पॉलिटिक्स देखा जाए तो पाकिस्तान के अलावा हमारी जो बातचीत होगी वो चाइना के साथ की है, और श्रीलंका की जो रिलेशन है चाइना के साथ उसको देखते हुए हो सकता है कि कुछ बातचीत भी हो। पर अब तक के लिए हमें यही बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के दो दिन के दौरे पर वो जिस तरह श्रीलंका के सरकार के साथ भी बात करेंगे और आगे की जो ट्रेड लिंक है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। पर याद रखना एक बात है कि भारत की तरफ से जिस तरह से हम जिस तरह ट्रेड की बात कर रहे हैं उसके दूसरी तरह से दक्षिण भारत की जो ज्यादातर तमिलनाडु की जो
जो रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ उसको भी बढ़ाते हैं। रोहिणी, आपके पास और डिटेल्स आपसे लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका दौरे का ये दूसरा दिन और मध्यवर्ती श्रीलंका में मौजूद है, जहां तमिल समुदाय के लोगों को भी उन्हें संबोधित करना है, अस्पताल का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, तो कई अहम कार्यक्रम, लेकिन पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत हों ये प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास हमेशा रहता है।